ज्ञान है आत्मा तो ठीक है, लेकिन तो ठीक है तो संगम की बात हुई ना, संगम हुआ कलयुग उर्वरता है। अच्छा तो मैंने कलयुग में अभी अभी देखा जाए तो मैंने माता के पिता के अलग से बच्चों का नाम होता है ना, लेकिन वहाँ तो माता के अलग से शांतनु पुत्र कहा जाता है, लेकिन और कुंती पुत्र कहा जाता है। कुंती पुत्र कहा जाता है, पांडव मर गया था ना इसलिए कुंती पुत्र कहा गया। पंडा ने शरीर छोड़ दिया। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे महाकाली की भी ढेर सारी पूजा दिखाते हैं और ब्रह्मा की भी हजार पूजा दिखाते हैं और विराट रूप में भी हजार पूजा दिखाते हैं, तो विराट रूप में भी हजार पूजा दिखाते हैं और महाकाली की भी ढेर सारी पूजा दिखाते हैं और ब्रह्मा की भी हजार पूजा दिखाते हैं, तो इन पूजा में कुछ अंतर है क्या? मैंने अलग अलग तो ये आत्मा है क्या महाकाली का और ब्रह्मा की जो पूजा है? ये ब्रह्मा वाली आत्मा रावण का जो चित्र बनाया जाता है उस चित्र में तो ब्रह्मा वाली आत्मा है या नहीं? कहाँ? गधे रूप में है, तो उसी की सारी पूजा हो गई। तो राम में और रावण में यही तो अंतर है कि राम राम राज्य की स्थापना करता है और ब्रह्मा वाली आत्मा रावण राज्य की स्थापना नहीं करती, रावण राज्य की स्थापना करती जाती है, राम राज्य की स्थापना नहीं करती। और क्या 79 से 76 तक कौन सा राज्य प्रत्यक्ष हुआ? और महाकाली की पूजा दिखाएंगे ढेर सारी कमर में, वो भी अलग वो भी असुर राज्य सब। और विराट रूप में जो दिखाए हजार पूजाएं सारी दुनिया दिखाई, तो उसमें सारी दुनिया क्या अपना आ जाएगा? सारी दुनिया में रावण राज्य मंगलवार आएंगी, रुद्रमाला का पहला नंबर और विजय माला का पहला नंबर उसमें आनंद बनेंगे ना, बनेंगे नहीं बने तो है ही, लेकिन जब दोबारा उतरेंगे कंचन छाया तो उस समय दोनों एक साथ ही उतरेंगे या आगे पीछे? लाइन लगती है जैसे तो बाल्टियों में रेड होता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगा रहता है, ऐसे ही नंबर नंबर वाले कैसे बनेंगे? नहीं नंबर बाहर में ये बात आ जा रहा है ना, रुद्रमाला का नंबर वन मंत्र का और विजय माला का नंबर वन मंत्र का दोनों मिक्स बिल्कुल उसके बाद वो है ना, साथ ही साथ उतरेंगे या एक सेकंड अंतर होगा? एक सेकंड अंतर होगा, एक सेकंड का भी सेकंड अंतर होगा, उसके बाद दूसरा नंबर उसके साथ ही ऐसे उतरते रहेंगे, दूसरा नंबर उसके बाद नहीं, पहले माँ बाप फिर बच्चे ऐसे करते रहेंगे। पहले से ही होते हैं नहीं, जैसे एक पहले लक्ष्मी नारायण और संगम हरी उसके बाद अष्टदेव का दूसरा नंबर लगेगा ना, तो अष्टदेव तो दूसरे नाम से कर दीजिए ना, और चंद्रवंशी तो नंबर दो में होना चाहिए ना, चंद्रवंश का कोई युगल है क्या? वो और उनके इधर भाई बहन ही तो है, युगल थोड़े ही नहीं नहीं वापिस उतरते होते, बहन की ज्यादा ताकत आती है या पति की ज्यादा ताकत आती है? राम वाली आत्मा वो तो युगल, तो युगल मान के हो गए, लेकिन जो बहन होगी तो बहन वाली आत्मा में ज्यादा ताकत होगी या जो पत्नी बनेगी उसमें ज्यादा ताकत होगी? वो ठीक है, फिर दूसरा नंबर कौन उतरेंगे उनके बाद तुरंत ही? सूर्यवंशी का दूसरा नंबर जो आठ होंगे उनके बच्चे ही तो आठ और पैदा होंगे नहीं आठ है ना, तो आठ देव है उनके बच्चे बनेंगे कि नहीं? प्रतिबंध आठ वो नंबर ला रहे हैं, ऐसे ही आठ उनके बच्चे भी नंबर ला रहे हैं। विजय माला के जो मन की जैसे वैसे शक्ति नारायण के साथ वैसे उनके भी तो शक्ति आएगी ना साथ में, तो नहीं है उनके भी फिर उसके बाद आ रहे थे वो तो साथ ही साथ है, दिलवाड़ा मंदिर में साथ ही साथ चारों दिखाई गए या अलग अलग दिखाई गए? मना उनकी भी जो आई उनमें प्रवेश करके तो प्रसाद कर रहे हैं साथ ही साथ बाबा वैष्णो देवी में आएगी कि आज में प्रवेश समरी या प्रैक्टिकल करने के लास्ट में?
निष्ठा कहाँ होती है? एक क्लास में बोला कल कहता है कि प्योरिटी होती है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल तो प्योरिटी कहता है, लेकिन प्योरिटी आ जाएगी उतनी उतना काम होगा। क्योंकि प्रवेशता नहीं होती है, विष्णु में प्रवेशता होती है। विष्णु कितना पति में प्रवेश करता है? पावन में हमारी आत्मा पति होती है? विष्णु माने पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला तो वही होगी। हाँ जी, हाँ जी, प्योरिटी होगी तो प्रैक्टिकल होगा। प्रवेश बोलेंगे हम तो प्रवेश नहीं, उनके मन को भी राम बाबा। हाँ, शिव बाबा भी कहते हैं बाबा। सर्व संबंध एक शिव बाबा से जोड़ना है ना, तो राम वाली आत्मा किससे कैसे सर्व संबंधों की आत्मा जोड़ती है? तो धर्म पिता है, जैसे धर्म पिता है होते हैं तो निराकारी होते हैं कि साकारी होते हैं? निराकारी होते हैं। ऐसे राम वाली आत्मा तो निराकारी है, लेकिन शिव के लिए साकारी बन जाती है। तो अभी के सर्व संबंधों के आधार पर अंतिम 14 जन्म तक भी कोई भी संबंध की कमी महसूस नहीं होना चाहिए ना हीरो पारदारी को? क्यों होगी फिर? पीढ़ी के आगे के जन्म में भी बच्चों का लोग था। बच्चों का लोग था ना, बच्चे नहीं थे ना अंतिम जन्म की उपलब्धि कराना जरूरी है क्या? अभी इस जन्म में भी अभी चौरासी के जन्म का भी अंतिम का भी अंतिम जन्म है ना, तो उसमें भी जो सगे संबंधी होते हैं माँ बाप वैसे, तो उनमें भी तो कमी आ रही है ना। क्या कमी आ रही? इनकी तो कमी आ रही है, जल्दी जल्दी वो शरीर छोड़ गए तो रखना ना संबंध का। जल्दी जल्दी शरीर छोड़ गए तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ऐसा फायदा और ज्यादा हो जाए तो सही भाई भी तो नहीं है ना। ना हो भाई, भाई क्या कर रहा है? भाई बुद्धि लगे क्या करना, का पाऊ सब को बुद्धि लटकती है। अंतिम जन्म में तो कोई संबंध ना हो तो अच्छा, या ढेर सारे संबंध हो तो अच्छा, कोई ना हो तो अच्छा। उसने कर्म ऐसे किए आखिरी जन्म में कोई बंधन नहीं। जिसका ज्यादा संबंध मिल रहा है उसका अपना और क्या नहीं मतलब उन संबंधों के लिए तरसेंगे नहीं है बोलते है ना, ये बात किसके लिए परफेक्ट लागू होगी? किसी को भी लागू नहीं होगी। क्यों सबके साथ ढेर सारे संबंध बने हुए, सब संबंध बने हुए, ऐसी कौन सी कमी है जो किसी को नहीं है? एक परिवार के साथ नहीं है ना, अनेक परिवार होंगे। एक तुम तो माने एक लौकिक समझती है, तुम्हारी बुद्धि लौकिक बनी हुई है। लौकिक कोई तुम लौकिक समझ रही हो? अलौकिक को लौकिक को अलौकिक बनाना है कि अलौकिक को भी लौकिक बनाना है? तो प्रदर्शन की किताब में कर्म पिता परमात्मा जो आत्मा हर चित्र में एक वर्ड आया हुआ है कर्म पिता के परमात्मा, तब साकार निराकार का साथ ही इसलिए कहते हैं। कर्म पिता परमात्मा कहते तो शिवलिंग बना हुआ होता है नहीं? तो शिवलिंग का अर्थ समझा, ये बिंदी है परम पिता और ये लिंग बना हुआ है वो परमात्मा। लेकिन यहाँ पर पिता ने लिखा हुआ है कौन सी इसमें लिखा हुआ है शंकर पार्टी अथवा एडवांस पार्टी के हेडिंग में जब उन्होंने आश्रम की 5 कन्याओं के नाम से ट्रस्ट बनाने के लिए कहा
तो ब्रह्मा कुमार रमेश भाई ने उन पांचों कन्याओं को धोखा देकर अपना और अपने घर वालों का नाम डालकर रजिस्ट्रेशन करवा कर पूरी संपत्ति हड़प कर। इस बात की खबर सुनते ही ब्रह्मा बाबा का हाथ फिर टूट गया, जबकि मुरली में तो कहा है योगियों का हाथ फिर नहीं। ब्रह्मा योगी थे क्या? बाकी पहचान थी? हाँ, बात तो ठीक है। योगी नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा था क्या सिर्फ पांच कन्याओं के नाम पर ट्रस्ट करने के लिए? चलो पांच नहीं, ज्यादा क्या बताएगा। लेकिन मुरली में तो सीमा दिया गया था कि ट्रस्ट करना ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं करना, ये नहीं बताया। ट्रस्ट तो करना है, ट्रस्टी बनना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना। रजिस्ट्रेशन अच्छा, ट्रस्ट माना क्या? ट्रस्ट वाले संगठन जिसमें विश्वास हो, विश्वास ही संगठन ट्रस्ट वाले विश्वास। वो किस उद्देश्य से बनाने के लिए बाबा ने बोले? कन्या माताओं के हाथ में ताकत रहे, भाइयों के हाथ में ताकत ना रहे। बाबा लक्ष्मी नारायण विष्णु महाराज और विष्णु महाराज जो लिखा है वो लक्ष्मी शक्ति के लिए भी बोलना है और जगदम्बा के लिए। विश्व महाराज और विश्व महारानी सब जाता है, विश्व महाराज तो एक है और जो विश्व महाराज है ना उसके हूबहू 100% मत पे चलने वाले विश्व महाराज भी एक है। लेकिन विश्व तो 500-700 करोड़ तो क्या होगा? 500-700 करोड़ भगवान को नहीं मानेंगे अंत में? तो बात को तो मानेंगे, लेकिन अरे विश्व महाराज के साथ कौन रहेगा? नहीं, जब लक्ष्मी को सारे भारत वाले ही मानते हैं, विदेशी लोग नहीं मानते हैं। लक्ष्मी को भारतवासी ही मानते हैं, विदेशी धर्म वाले नहीं मानते बोलते हैं ना। ऋषि ऋषि महारानी किसको कहा है? जो अंदर की विश्व है उसको कहा है, उनसे सारा विश्व समझा अंदर की वो और बाहर के। 4.5 लाख के विश्व पर अथवा 9 लाख के विश्व पर वो लक्ष्मी वो घर संभालती है, वो बाहर संभालती है। जब ब्रह्मा जैसे 4.5 लाख आत्माएं कहते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा जैसे और प्रकृति जैसे सनातन धर्म की आत्माएं होंगे 4.5 लाख अथवा और धर्म के लिए मिक्स होंगे? और धर्म के जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो और धर्म के होते हैं? नहीं, 4.5 लाख जिस परफेक्टली बोलते हैं ना सत्य में उतरने वाले, तो उसमें सनातन धर्म के पक्के होने चाहिए ना? होते हैं, लेकिन जो माँ होती है दूसरों के प्रभाव में आती है या नहीं आती? आती है, तो बस वो कच्चे हो गए। इस बात जब ले रहे हैं तो ये अड़चन आ रहा ना बीच में, जैसे कुमार का दादी है, सिद्धिश भाई है, ऐसे भी तो शरीर छोड़ गए हैं, तो इन्हें तो सत्य में दूसरा अथवा आठवा बन गए ना नारायण ना। तो वो तो उस लिस्ट में नहीं होंगे ना 4.5 लाख जो कतिर में राधा कृष्ण जैसे बच्चों में गिने जाने में, तो वो लोग नहीं होंगे ना? नहीं तो वो परफेक्ट 4.5 लाख कौन है जो राधा कृष्ण जैसे हम बोलते हैं, वो कौन है जो राधा कृष्ण जैसे? राधा कृष्ण जैसे जो बनेंगे वो राधा कृष्ण की लिस्ट के होंगे, राधा कृष्ण को फॉलो करने वाले होंगे। कुमार का दादी तो किसी दूसरे से प्रभावित हुई होगी? 4.5 लाख मिलते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी देखने में तो कोई नजर ही नहीं आता। धर्मा बाबा जैसे लाख तो पास कर दिया, बढ़िया बढ़िया हर तुमको तो नए नए रंग तो टाइम पर मिलते रहते हैं। बस टीवी की फिल्म और जब कांग्रेस पार्टी बोलते हैं लाख की कांग्रेस पार्टी उसके लिए चला जाता है, जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जनता पार्टी मना एडवांस पार्टी, कांग्रेस पार्टी मना इसमें अंधो की पार्टी। तुलना कैसे करनी है? जो अंधे हैं तो कांग्रेस पार्टी, जो जानते हैं तो जनता पार्टी। बोलते ना कि भाइयों के मीटिंग में कन्या माता इंडिया चल रही करती है, कन्या माता की
कमरा में वाला मंदिर करने का ऐसे क्यों बताएंगे आप? धर्म सत्ता जो है पूरा महिलाओं के हाथ में पूरा दे देते हैं में नाम के लिए कन्या माता आ रही है अभी भी ऐसे वैसे तो जैसे अष्टदेव के लिए कथा हमने कलकत्ता की वार्तालाप में सुना अष्टदेवों के अंदर भक्तिमान के संस्कार ज्यादा ना रहने के कारण इनका दो ही जन्म होंगे संगमेश के 100 साल में अष्टदेव में आने वाले जो आत्माएं होंगी उनके उनके अंदर भक्तिमान के संस्कार इतना नहीं होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा संगमेश में दो जन्म ही लेती है दूसरा नंबर उनका जो भी डिक्लेयर हुआ है माता के रूप में अगर उनका दो जन्म ही अगर लिया जाए जी 84 जन्म तो ठीक है लेकिन संगमित के 100 साल में कोई तो एक ही शरीर में नहीं रह सकता ऐसे बहुत थे जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं और ज्ञान ज्ञान ले रहे ठीक है तो उनके लिए ले रहे हैं उदाहरण के लिए जैसे दूसरा नंबर लड़का जो है उनका युद्ध के आदि में एक जन्म हुआ और अभी अंत का जन्म है ये अभी जो डिक्लेयर हुआ जन्म अंत का हुआ दूसरा जन्म लेंगे तो अंतर पड़ जाना उम्र में उम्र तो उनका कम उम्र का लग रहा है इतना 20 वर्ष का जो बीच का पीरियड हुआ वो किस किस में गया वो उनका पिछला जन्म में गिना जाएगा कौन सा 20 वर्ष का मतलब इसी जन्म में उन्होंने जो जन्म लिया उस जन्म तक उनका पिछला जन्म ही माना जाएगा बीच में एक जन्म नहीं हो सकता है क्योंकि तपस्या में भी शुरू हुआ यदि के आदि में राम वाली आत्मा के साथ साथ अष्टदेव भी चले गए तो उस हिसाब से अगर लिया जाए तो उनका बीच में भी एक जन्म होना पड़ेगा ना क्योंकि उम्र के आधार से क्योंकि आदि में वो आत्मा अगर चली गई है आदि क्यों चली गई चलिए शरीर छोड़ चली गई जरूरी क्या है चली जाए तो शरीर छोड़ना पड़े इतने वर्ष में उनको एडवांस नॉलेज मिला है क्यों ले एडवांस नॉलेज को जरूरी है जब शरीर छोड़ा उसके बाद मिली तक भी अगर उनका पूर्व जन्म होगा तो उन आत्माओं को दोबारा उसके बीच में उनको एडवांस हमारा शुरू भी हो गया था ना तो भी नहीं मिला उनको उससे क्या अनुभव होता है जो जिनको आदि मिलता है वो घाटे में जाते हैं लेकिन यज्ञ के आदि में जैसे राम बाप के लिए तो सिद्ध है कि स्वयं शिवा को प्रवेश करने के कारण वो अंत में आने पर भी लाल को पास जा सकता है लेकिन जो बाकी नंबर वार अष्टदेव हैं उनके अंदर तो भले गर्ट्स है राम बाप की तरह लेकिन वो इतना जल्दी पास लाल को पास जा सकते हैं इतना अंत में आकर के भी क्यों नहीं धारणा की बात है जो लोग धारणा है अपनी अपनी ज्यादा धारणा है ज्यादा अनेक जन्म बेहतर जन्म होगी वो जल्दी पकड़ लेते हैं हमको प्रैक्टिकल में पकड़ते हैं धारणा नहीं है ज्यादा भी विचारी करने की आदत है वो पकड़ने पर भी नहीं पकड़ पाते ज्ञान में आने के बाद उल्टे कर्म करते हैं एडवांस पार्टी के भी क्या में भी होना चाहिए ना फिर है ना फिर उनकी जोड़ी जो निकलेगी वो अक्सर देवियों का भी मान्यता है ना अष्टदेवों के साथ अष्टदेवियां जो है वो विजयमाला से निकलेगी या
विजय माला की अलग है, रुद्र माला की अलग है। जैसे अष्टदेव है वैसे अष्टदेवी है। तो फिर उनको ही आठ पटरानियां भी कहेंगे, अष्टदेवियों को भी। क्यों आठ पटरानियां कहेंगे उनको ही? आठ पटरानियां क्यों कहेंगे? पटरानियां जो पट में जाके गिरती है, और पट में इसलिए गिरती है उल्टे काम करती है, इसलिए पट में गिरती है। आठ नौ कन्याओं का चुनाव बाबा ने किया है, जैसे नौ देवियों के लिए बोलते हैं ना, नौ साल के कन्याओं को ही पूजन करते हैं, नौ देवी की पूजा में। तो उस संबंध में बोलते हैं, कह रहे थे कि बाबा ने भी चुनाव किया है। कौन करे? बाबा मुझे ना कह रहे थे। कौन कह रहे थे? नहीं, वार्तालाप में से। वार्तालाप में साइड मुरली में ही हो। मुरली में हो भगवान से वार्तालाप। कौन से पर से वार्तालाप बोले? चार लोग कन्याओं का चुनाव किया होगा जी, बाबा ने किया होगा, फिर भक्ति मार्ग में करते हैं। नहीं बाबा, हमारा ये आ रहा था, मतलब जो नव देवियों के लिस्ट में आने वाली होंगी ना, जो नव देवियों लिस्ट में आने वाली होंगी होंगी ना, होंगी ना, वो शारीरिक रूप से जब ध्यान में आई होगी ना, बाबा जब उनको निकाले होंगे ना ध्यान में, तभी वो नौ उम्र की होंगी। ऐसे जगदम्बा माँ बीमारी थी ना, ने नौ साल की थी, इसी के कारण वो नौ देवियों का जब पूजन करते हैं तो नौ साल के गोविंद की कन्याओं को सुनते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो सारा से बाकी नौ देवियाँ भी ऐसी होंगी क्या, उसी उम्र की होनी चाहिए? किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति मार्ग वालों की बात कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? भक्ति मार्ग में तो नौ सारी कन्याएं चुनता सुनना अच्छा समझते हैं। अरे बाबा ने भी चुनाव किया है, बाबा ने चुनाव किया है कि नहीं किया है? जगदम्बा माँ की बात अलग है, नौ साल की थी तो उनका कहना उनके जैसे और भी आत्माएं। जरूरी है ये तो जरूरी। जो बड़ी कन्याएं हैं, जो बड़ी कन्याएं हैं वो क्या कुल परिवार में रहकर भी भक्त नहीं ले सकती? अच्छा, तो जब देवियां अलग और अष्ट पटरानियां अलग हैं, तो जगदम्बा को किसमें बिना रहे? जगदम्बा के तरफ पटरानी भी हो रही है, जगदम्बा को देवी भी माना जाता है, दोनों हो गए। भागवत गिनाई गई है, भागवत और महाभारत देवियों की संख्या नहीं है, पटरानियों की संख्या है, वो बात अलग होगी। देवा तो संग्राम में नौ देवियों की बात आई, वो बात अलग होगी। मतलब एक नहीं, एक व्यक्ति के कितने कितने पार्ट हो गए? पटरानियों का मतलब था थैलिया, तो फिर जगदम्बा, जगदम्बा की थैलिया लक्ष्मी जी की, पटरानी वाली तो क्या हुआ वो थैलिया? नहीं मतलब ऐसे धर्मों की फिर कोई दूसरी आत्मा निकलेगी, चंद्रवंशी। क्यों दूसरी आत्मा निकलेगी? क्योंकि जगदम्बा तो चंद्रवंशियों की पटरानी के रूप में, चंद्रवंशियों को पटरानी के रूप में, तो फिर सिख धर्म से पटरानी को दूसरी होंगे ना, मैंने आठ धर्म से कनेक्टेड ना सच्चा नहीं है, तो सिख धर्म की पटरानी की कोई दूसरी आत्मा जगदम्बा तो पहली पहली कन्या के रूप में चल रही होती है, पटरानी जो है वो सिख धर्म से ही पहली कन्या चल रही होती है, तो चंद्र सिख धर्म के अंदर भी चंद्रवंशी वाली कोई पटरानी होंगे ना, मैंने आठ पटरानी जो है आठ धर्म से कनेक्टेड है, तो चंद्रवंशी का चंद्रवंशी जो धर्म उस हिसाब से देखा जाए तो जगदम्बा पटरानी होंगे, और फिर सिख धर्म के हिसाब से तो दूसरी आत्मा निकलेंगे ना, सिख धर्म की ही तो वो जगदम्बा है। सिख धर्म क्षत्रिय धर्म तो अलग हो गया ना, चंद्रवंशी और सिख धर्म दोनों तो अलग अलग हो गया ना, तो दो अलग पटरानियाँ भी तो अलग अलग होना चाहिए।
गिनती के हिसाब से आठ पर काम है तो आठ धर्मों से कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि जगदम्बा माँ किस धर्म से है, से पहली कन्या निकली। तो ऐसी चंद्रवंश से कौन मना अलग आत्मा निकलती है जगदम्बा को उसमें पता है वो रुद्रमाला की है या विजय वाला की है। रुद्रमाला में दूसरे नंबर की चंद्रमा की आत्मा कौन है? पटरानी नहीं होगी तो आज हमको चंद्रमा को कैसे चलेगी? तो सच्चाई नहीं है, सच्चाई सिर्फ एक में ही रही है, दो सच्चाई होगी। शिव बाबा हो गई है तुम दूसरे तीसरे नंबर को श्रेष्ठ मानते हो, अभी तुम्हारी श्रेष्ठता आ रही दूसरे नंबर को भी सेट मान लेते नहीं वो परवानी की हिसाब से बोला जाते हैं चढ़ाई करते करते पट से गिर जाते हैं बोला ना इस हिसाब से पूछ रहे थे क्या अंतर पड़ गया लास्ट में सभी नीचे गिरते हैं सात जो अष्टदेव है वो नीचे नहीं गिरते तो पट में नहीं गिरे तो क्या बड़ी बात होगी उत्तरायण होना और उनके शरीर छोड़ने में क्या कनेक्शन है कि सूर्य उत्तरायण होंगे तभी वो शरीर छोड़ेंगे? सूर्य तो बाप अब विदेशी सुदेशी तो फिर उत्तरायण में दक्षिण जब उत्तरायण आ जाएगा तब उसे फायदा क्या है उनको फायदा ये होगा कि उस रूप में आ जाएंगे। अच्छा मैंने वो स्वदेशी रूप में स्वदेशी रूप में आ जाएंगे उनकी माँ तो गंगा जी से ना कन्या धर्म के लिए कन्या धर्म से कलाम धर्म का लोग कैसे संयोग में आकर के क्या हो जाता है जो सन्यासी और दूसरे धर्म नहीं चले जाते दूसरे धर्म से प्रभावित नहीं हो जाते सारे सन्यासी विदेशी बन गए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के इब्राहिम लिंकन का बात है कि इब्राहिम लिंकन था वो बहुत गरीब था और रात को रोज की लाइफ में पढ़ाई पढ़ता था और मैंने पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इतना उन्नति किया कि वो इब्राहिम लिंकन होता अमेरिका का पहला राष्ट्रपति उसकी बात नहीं है ये बात है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की बोल 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 हाँ तो क्या हुआ विक्टोरी कौन है विजय माला का वजीर कौन है राजी कौन करेगी माताएं राजी करेगी भाई राजी करेगा भाई राजी करे और वजीर कौन होगा सलाह देने वाला चलाने वाला कौन होगा कितने जितने प्रकार के रुद्रमाला के मानते होते हैं कितने प्रकार के विकार होते हैं क्या करते हैं काम विकार की आप पूरी नहीं हत्या कर दी हाँ वही सामान्य बोल रहे हैं
अभी ये शुरू हो गया है, अभी झाड़ू हाथ में आया, कौन रखे हुए ना कहा झाड़ू, दोनों हाथों में, हाँ दोनों हाथों में झाड़ू कोने में रखे हुए हैं, नहीं जाते चले जा रहे, ऐसा नहीं जाते रहो तो जाते रहो, तो और खराब देते हो बाबा, जो बोलता हूँ बाप को बता देते हैं, जैसे बाप बोलते कि आगे जाके किसी की भूख नहीं रहे, सबके प्रत्येक चल रहे, बाप को बताते उनका ही प्रत्येक चल रहे, फिर बाप को बताते तो आधा बताते होंगे आधा नहीं बताते होंगे, और ज्यादा पाप कर लिया बाप को झूठ बोल देते तो बैठे हुए अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है, तो भागवत का भागवत का जो हीरो है वो कौन है, महाभारत का हीरो कौन है, उन्होंने अपने शास्त्रों में अपनी महिमा लिख दी, ये कोई बात नहीं सर, नंबर वन व्यास है नहीं बाबा, लेकिन बोलते की सत्य की कोई याद व्याद नहीं बनती, संगम की बनती, संगमी कृष्ण गए तो गीता में नाम पढ़ा होगा, संगमी कृष्ण संपूर्ण होगा क्या, पूर्ण होगा संपूर्ण गलती करेगा, फिर भक्तिवादी कृष्ण करेगा, देखो कैसी चल रही बुद्धि, वो बात नहीं है बाबा, भगवान को उपन्यास किस हिसाब से बोला, रामायण को उपन्यास किस हिसाब से बोला, उसमें कैसे कोई अल्लम गल्लम दुनिया भर का बवंडर इकट्ठा करके सारी गलत बातें नहीं, तो अच्छी बात क्या, सही बात क्या है, रामायण चाहे बाल्मीकि हो और रामायण चाहे वो तुलसीदास की हो, सारा गड़बड़
थोड़ा सा इसी के आगे वाली बात बता दीजिए वही जैसे ब्रह्मा बाबा किसको सुनाए तब कौन थे वो सारी प्रश्न आता हो तो पूछो। अपनी बहन को सुनाया सत्कर्म के बाद वो दूसरी माता थी कि नहीं उस समय क्यों होगी नहीं थी ब्रह्मा बाबा मुझे स्वास्थ्य किस पर अपनी बहन तो अपनी बात अपनी बहन के साथ अपनी बात दिल की बात बताएंगे जब तक गुरुओं में श्रद्धा बैठी रही तब तक गुरुओं को ढूंढते रहे बताते रहे और गुरुओं की श्रद्धा उतरी तो जिसके ऊपर श्रद्धा थी उसको बताया। दूसरी माता को कब सुनाया गया? दूसरी माता ने तो छोटी माता ने सुनाया तुरंत ही तुरंत ही सुनाया बाद में सुनाया नहीं तीन मूर्ति तो समझाने के लिए आता। अच्छा फिर उसके बाद छोटी माता ने बड़ी माता को सुना दिया बड़ी माता ने हिम्मत करके जब भागीरथ को सुनाया तो उस समय दोनों माताएं भी थी भागीरथ भी थे तो भागीरथ जब सुना रहे थे उनके तो शिव बाबा तो दोनों माताएं सुन रही थी तो उसमें कौन समझने वाली थी जिसमें प्यारी की ज्यादा थी वो समझने वाली थी तो दूसरी माता जो प्योरिटी थी वो बोल बोल करने वाली तुरंत जाकर के किसने सुनाया ब्रह्मा बाबा को जरूरी है तुम सुनाया कुछ समय के बाद ही होगा टाइम भी हो सकता है महीने भी लग सकते हैं सप्ताह भी लग सकते हैं कहीं भी रुके हो या फिर बाहर घूमने जाता है किसको तो उम्मीद लेके आया ना कि चौधरा मेरे समस्या समाधान कर देंगे करके हाँ तो इसलिए वो इतना दूर से तो पूछा होगा तब उन्हें बताया होगा जब कुर्सी में बैठा हुआ छोटी मन कुर्सी में जब बैठा हुआ तब बताया हुआ नहीं अभी आप पहले बताए ना कि क्योंकि हम दूसरी माता दूसरी माता बड़ी माँ वो जाकर के ब्रह्मा बाबा को बताते हैं ब्रह्मा बाबा बताते जगदम्बा क्यों बताते हैं साक्षात चौधरा से बताते बोले ना जगदम्बा बाबा बताते हैं पूछ रहे ना अभी हम अरे जो जो सुनाएगा जिसके सुनने से उनको बुद्धि में बैठेगा वही तो वहाँ माता बनेगी सती हो जाएगी लेकिन आप बड़ी माँ कैसे बस बोल दिया बोल दिया बाद में सुना कर दिया ऐसा ऐसे ही क्षेत्र वाली बाद में बड़ी माँ फिर गीता माँ कैसे बड़ी माँ जो बोल बोल कलयुग गान बजावा ये तो कलयुग की भांति है ज्यादा बोलता है और उसी को लोग विद्वान समझ लेते हैं पंडित समझ लेते हैं आचार्य समझ लेते हैं नहीं ब्रह्मा बाबा ने मना आगे पैर बढ़ाया तभी तो उनके बुद्धि में बैठा कि यही गीता का भगवान है कौन गीता भगवान दूसरी माता की बुद्धि में तभी तो बैठा ना कि कृष्ण गीता का भगवान है सब पढ़ी ना तो यही बात पूछ रहे भले उन्होंने बोल बोल किया लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो सुना ना लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब कदम आगे बढ़ाया तभी तो उस माता के बुद्धि में छाप पड़ी गीता को भगवान कृष्ण ने करती और बड़ी माँ जो छोटी माँ है वहाँ पे उनके बुद्धि में पड़ी कि मेरा पति परमेश्वर है तो यही बात की है एक कहानी कथा कोई अब यहाँ सत्रह की कथा थोड़ी सुनाई जाएगी कहानी नहीं आप जो पूछो तो उसका जवाब दे लिंक बता दे क्या लिंक बोल सके किस बात का लिंक बता दे ठीक है मैं बता हाँ बताओ मना ब्रह्मा बाबा ने जाकर के अपनी बहन को साक्षात्कार बताया उन्होंने जाकर के उस माता जी को बता दिया वो माता ने सेवाग्राम को बताया तब दोनों माता मौजूद थी जब सुनकर सुनाया समझ के समझाया तब दोनों माताएं मौजूद थी उसके बाद जाकर के जो बोल बोल करने वाली माता है मना दूसरी माता उन्होंने जाकर के ब्रह्मा बाबा को बताया कि ये तो करके रहते उस समय भर उनके अंदर छाप नहीं पड़ी ब्रह्मा बाबा को मना पूरा विश्वास नहीं हुआ
लेकिन कार्य तो मना ये तो पता चला कि शिव आया है मतलब जब नीचे ही नहीं बैठा तो क्यों आया फिर कार्य उन्होंने कब शुरू किया बड़ी माँ के कहने के ब्रह्मा बाबा को दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा वरदान किससे मिलता है माता से ब्रह्मा बाबा को दुनिया का सबसे बड़ा वरदान किससे मिलता है ब्रह्मा की सोल को माने कृष्ण की सोल को दुनिया की सबसे बड़ी जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है बस डायरेक्ट ही तो हुई सचिव सचिव लेकिन यहाँ पे तो माँ निमित्त बन गया जन्म देने के जन्म देने के निमित्त बनी तो क्या माँ माँ बापू से मिला माँ के अंदर बीस किसने बोया जैसे शिव बाबा ने रचा गीता माता को उनसे जन्म लिया फिर उनके साथ राधे आदि का दादा थे इसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा दे क्या गीता माता को बचा तो गीता माता हुई यज्ञ की आदि की छोटी माँ और उससे फिर दूसरे बच्चे आ जाते उससे सबको बच्चा मिलता है तो वहाँ राधा बच्ची जो है वो छोटी माँ है ना हाँ राधा बच्ची छोटी माँ है तो गीता माता कौन सी गीता माता को बचा वही गीता माता है वही राधा बच्ची है कृष्ण को जन्म किससे मिलता है सती मुझे छोटी माँ से बस वो गीता माता कृष्ण के साथ राधा भी सब आ जाते हैं तो कौन सी राधा की बात है कृष्ण के साथ राधा आदि सब नहीं आ जाते हैं लेकिन जो माता है वो माता रखती है सारी सती को संगम की कृष्ण अरे सारी सच्ची को लक्ष्मी ने रचा किसने रचा शिव बाबा ने गीता माता को रचा तो छोटी माँ हो गई छोटी माता से कृष्ण बच्चन जन्म लिया तो जो राधा बच्ची है वो किसके लिए बोला है ये पूछ रहे तो वही गीता माता है वही वही मतलब पहले हम बोलते थे ना पहले की बात पहले पहले की पढ़ाई पहले रही अभी की पढ़ाई अब पढ़ो फिर चलो बात चलो
हर बात स्थूल में उठाई जाती है क्या? वेद में कहा हुई? आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं वो हद में पूछ रहे हैं, बेहद में, और बेहद में पूछ रहे हैं तो उसका अर्थ बताओ। हाँ तो मालूम नहीं तो पूछेगा कैसे? जो प्रश्न पूछने वाला है उसे मालूम होगा तब पूछेगा कि मालूम ही नहीं तब पूछेगा? है मालूम ही नहीं तो पूछेगा ही नहीं। हाँ फिर से पूछो, फिर भी जवाब देंगे। हाँ बोलो। एक पत्नी नहीं थी, ये बात गलत वापस कर लो। हाँ अर्जुन को इतनी डबल पत्नी थी ना सुभद्रा। हाँ लेकिन वो द्रौपदी की एक ही थी आठवीं इसमें। माने पांच पांडवों की एक मुख्य पत्नी थी, ऐसे बोलो। हाँ द्रौपदी। हाँ भारत में जैसे बताया गया है तो भाई पांचों पांडवों को एक ही पत्नी से बच्चे पैदा हुए, तो ये सही है या गलत है इसे मैं पूछ रहा हूँ। स्थूल बच्चे पैदा हुए या ज्ञान के बच्चे पैदा हुए? हाँ तो क्या हुआ, गलत बात है क्या? आपको प्रश्न क्यों पैदा होता है? आपको उंगली उठाने की कोई बात नहीं इसमें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पांच पांडव हो रहे बाबा। पांच पांडव तो पहले बाद में छोड़ो, पहले पांचों पांडवों का पार्ट बजाने वाला एक पंडा है या नहीं? हाँ, और एक पंडा होते हुए भी उसमें पांचों पांडवों का पार्ट भरा हुआ है कि नहीं? तो जो पार्ट भरा हुआ है वो अनेकों बच्चे पैदा कर सकता है, तो एक पत्नी से अनेकों प्रकार के बच्चे पैदा नहीं हो सकते? तो क्या पूछना क्या चाहते हैं? पूछना वही चाहता था मैं, ये जो मैंने पढ़ा था उसमें ये चला सही है। क्या सही? आप प्रैक्टिकल में देख नहीं रहे हैं कि हाँ इतने बच्चे जो बैठे हुए हैं वो एक द्रौपदी से पैदा हुए हैं या अनेक द्रौपदियों से पैदा हुए? प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? लेकिन बाबा द्वापर में सत्व प्रधान था थी। द्वापर, द्वापर की कहानी है ये। वाह भैया, पांच पांडव द्वापर की कहानी है। शास्त्रों का भूसा बुद्धि में से निकलता ही नहीं। बाबा ये ज्ञानी के लिए हो गई क्या? आप अज्ञानी है कि ज्ञानी? नहीं नहीं ज्ञानी हूँ यकीन है। तो द्वापर की बात छोड़ो, द्वापर की बात मत कहो। हाँ और आगे बोलो 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 बाबा। अरे हर बात बीच मत को है। कौन सा घोल हो रहा है? कौन से बाबा ने घोल कर दिया? आदमी ने घोल कर दिया। अरे भक्ति मार्ग वाले गुरुओं ने तो पता नहीं क्या क्या घोल कर दिया, क्यों का सवाल ही नहीं। यहाँ शूटिंग कर दी तो वहाँ घोल कर दिया। जो यहाँ शूटिंग कर रहे हैं वो वहाँ घोल नहीं कर सकते, उनको यही बैठे बैठे प्रश्न हो रहे हैं कि द्रौपदी का चरित्र अच्छा था या गंदा था। तो प्रश्न तो पैदा हो रहा है ना, पांच पति और ढेर वाले बच्चे पैदा हो गए, तो गंदा काम है तब प्रश्न पैदा हो रहा है या अच्छा काम हुआ तब प्रश्न पैदा हो रहा है? है? बाबा तो कहते हैं तुम सब नंबरवार द्रौपदियां हो, तो नंबरवार माने कोई अव्वल नंबर द्रौपदी भी है। और बाबा जो टोल है अभी आज के बोली में बाबा ने बोले हैं कि जो, अरे अभी की बात का समाधान हो गया? हाँ जी हो गया, हो गया। और आगे चलो, तो वो टोल दूसरे आसमान में प्रवेश करेंगी। हाँ तो फिर एक आत्मा से दूसरे आत्मा में प्रवेश करेगी तो फिर वो आत्मा का शरीर नहीं छूटेगा। जब आत्माएं परम धाम जाएंगी सब आत्माएं जाएंगी, कोई रह जाएगी? कोई आत्मा इस सृष्टि पर रह जाएगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा कोई इस सृष्टि पर रह जाएगी या सारी आत्माएं परम धाम जाएंगी?
रह जाएंगी, अपने शरीर में कोई आत्मा रह जाएगी है? परमधाम में जाने के नहीं, नहीं, सब आत्मा परमधाम जाएंगी ना, तो जब सब आत्माएं परमधाम जाएंगी तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगी लौटने के बाद शुरुआत में, या अपने शरीर में प्रवेश करेंगी? अपने शरीर में वहां प्रवेश कर सकती है, तो अभी ऐसा पाठ नहीं बजा सकती है? अभी ये पाठ नहीं बजा सकती क्या कि शरीर अभी छोड़े, दूसरे में जाकर के दूसरे की बुद्धि को घुमाए, एटम बम फुड़वा दे? अच्छा अच्छा, मैं बोली शरीर मैं समझ गया कि शरीर रहते हुए दूसरों के लिखे। हाँ शरीर रहेगा, ऐसे थोड़े कि शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर अगर अपना खत्म हो जाए तो विधर्मी आत्मा हो जाएगी या स्वधर्मी रहेगी? पक्की कौन सी आत्मा साबित होगी है? तो विधर्मी आत्मा ब्रह्मा की तरह साबित हो जाएगी। पक्का सूर्यवंशी थोड़ा ही कही जाएगी, अपने ही शरीर में आकर के दोबारा प्रवेश करेगी। और जब जब मैं संकल्प उत्साह का बाबा ये तारीख को आने वाले हैं, तो उसके दूसरे दिन में बाबा आते हैं और हम बच्चों को दर्शन देते हैं, तो ये कौन से कैसे क्या यादगार है? वैसे दर्शन नहीं देते जब आते हैं तभी दर्शन देते हैं कि आप दर्शन करते ही रहते हैं? आप इन आँखों से दर्शन करते हैं या तीसरे नेत्र से दर्शन करते ही रहते हैं? तीसरे नेत्र से भी करते रहते हैं और आप बाप खुद आते हैं सामने बैठ के पार भी करता है हाँ? संकल्प जब उठता है तब तब बाबा आते हैं हाँ? तो ये कैसी यादगार है, क्या है? अच्छी यादगार है, लेकिन ये मानी तब जाएगी कि आइंदा जब जब बाबा आने वाले हो और आपको संकल्प उठे, वैसे ही आप सबको फोन कर दिया करिए क्या नहीं, तो ये बात आपकी झूठ मानी जाएगी। और बाबा जब गर्भ में अपना प्रवेश करने के पहले ही यदि घर टूट जाता है तो उनको जन्म मरण की गिनती में गिना जाएगा बाबा, और बेहद में इसका अर्थ कैसे लगाएंगे? अरे शरीर ही आत्मा को नहीं मिला तो जन्म मरण कहा जाएगा है? अरे शरीर में आत्मा प्रवेश करेगी तभी जन्म होगा, या बिना प्रवेश करिए जन्म हो जाएगा? प्रवेश करे तभी तो जन्म होगा, पहली शर्त है प्रवेश करे। नेक्स्ट शिव है तो कर्मों में फॉलो करना है या आज्ञा को फॉलो करना है? नेक्स्ट शिव सिर्फ शंकर का ही नाम लिया है, कोई और नाम लिए? सिर्फ शंकर का नाम लिया है, प्रजापिता भी नाम लिया है, नारायण भी नाम लिया है, कृष्ण भी नाम लिया है, शंकर भी नाम लिया है, लेकिन कर्मों में फॉलो शंकर को नहीं करना है, ये सिर्फ एक नाम के लिए ही बोला है, दूसरों नामों के लिए नहीं बोला है, शंकर के लिए ही बोला है कि कर्मों में फॉलो नहीं करना है। ऊपर अत्याचार करते हैं तो उसको पिछले जन्म का हिसाब किताब कहा जाता है? हाँ जी, लेकिन जो जिनके ऊपर अत्याचार करता है उन्होंने क्या करना चाहिए? जो अत्याचार करने वाला है उन्होंने क्या कहना उन्हें क्या कहना चाहिए? उसके ऊपर पिछले जन्म में अत्याचार हुआ है
हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, हुआ है? तो इस जन्म में हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं? जिन्होंने किया है वो उन्होंने क्या समझ? उन्हीं की तो बात आप पूछ रहे हैं कि जिन्होंने अत्याचार किया है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिछले जन्म में अत्याचार को सहन किया है इसलिए इस जन्म में अत्याचार कर रहे हैं। पिछले जन्म में अत्याचारी जो है वो इस जन्म में ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे? अज्ञानी हुए, अज्ञानी है इसलिए तो अत्याचार कर रहे हैं। तो जब अज्ञानी साबित हो रहे हैं इस जन्म में, तो पूर्व जन्म में राजा बने थे राजयोग सीख करके या गधा बने थे? राजा बने थे। गधा जैसे राजा बने थे। राजा ही के जिनके अंदर संस्कार होंगे वो जन्म जन्मांतर जो ईश्वरीय राजा ही प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म करने वाली ही होंगी या बुरे कर्म करेंगी? अच्छे ही कर्म करेंगी। लेकिन बाबा उनको कैसा पता चलेगा कि मेरे ऊपर इन्होंने अत्याचार किया तो मैंने किया करके? इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? उनको कैसा पता चलेगा? किनको? मैंने उनके ऊपर अत्याचार किया तो आज मैंने उनके ऊपर किया। उन्होंने नहीं किया अत्याचार, उन्होंने अत्याचार को सहन किया था पूर्व जन्म में इसलिए वो इस जन्म में अत्याचार कर रहे हैं, हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। बाबा हाँ जी, बाबा हमेशा मुझे कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को मैं निभाते हुए दूर निकालना है, तो फिर गृहस्थ व्यवहार यानी क्या? व्यवहार माने क्या? इसका मतलब तुमने माना ही नहीं समझा तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते ही नहीं है? फिर पूछते काहे के लिए? आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। लौकिक में या अलौकिक में? अगर गृहस्थ व्यवहार में जो रहता हुआ अपने को समझेगा कुमार, तो वो लौकिक में समझेगा या अलौकिक में समझेगा? कहाँ समझेगा? अलौकिक में समझेगा। हम तो हैं ही गृहस्थ व्यवहार वाले, हमारा कोई दूसरा परिवार है ही नहीं। एक बात दूसरा ना कोई, ये प्रश्न पैदा नहीं होगा। इसका परिवार तो वो हो जाता है पैदा। कौन सा? अलौकिक वाला। तो तुम अपना पहला नंबर किसको दे रहे हो? अलौकिक वाला। और दो नंबर किसको दे रहे हो? अलौकिक वाले को। अलौकिक वालों तो पूछते क्यों? तो फिर बाबा दूसरे तो बोलते हैं कि नहीं पहला नंबर अलौकिक वाला। आप दूसरों की मत पे चलते हैं या बाबा की ज्ञान पे चलते हैं? फिर क्यों पूछ रहे? नहीं, बहुत से लोग इकट्ठा होकर वो ज्ञान सुनाने चालू कर देते हैं कि नहीं लौकिक में ही अच्छा है वो। तो उनको समझाओ कि हमारा नया जन्म हो चुका है, नए जन्म में नया परिवार मिलता है या पुराना परिवार मिलता है? नया परिवार मिलता है। वो ये बात को मानते ही नहीं बाबा। इसका मतलब तुम प्रभाव में आ जाते ना? नहीं, वो तो वो मानते नहीं है। पर तुम भी नहीं मानते कि हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं? आ जाते हैं। हाँ, तो उनकी प्रजा बन गए, शूटिंग हो रही है। अगर उनको हम बोले कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, क्या वो जो बाबा बोलते हैं वही सच्चा है? हाँ, तो बोला। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, या बाबा तो बोलते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को निभाना है। हाँ, तो गृहस्थ व्यवहार कुमारों का कौन सा होता है? अलौकिक होता है। उनके बारे में सोचना चाहिए ना बाबा। तुम दूसरों की सोच को क्यों पकड़ते हो? अपनी सोच को पकड़ो, अपनी सोच पे डर रहो। अब आगे आ गया, बस चलेगा। ले आओ, देखो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। गुरु बाबा तीन मूर्तियों के साथ में आता है। आता है उसके साथ में उनके सहयोगी भी तो आते होंगे। हाँ, किन की? तीन मूर्तियों की। तीन मूर्तियों की, तीन मूर्तियों अकेले आते हैं। तीन मूर्तियों की सहयोगिनी जो है वो आने वाली तीन मूर्तियों जिनके साथ शिव बाबा आता है वो उसकी रचना है या रचयिता है? रचना है। पहले रचयिता आना चाहिए। हाँ,
या रचना भी साथ में आनी चाहिए? रचयिता के साथ शिव बाबा आता है। अजी और बाबा एक मुर्गी में घड़ी के तीन कांटे के बारे में बताया बाबा, लेकिन घड़ी में एक अलार्म कांटा होता है, उसका बेहद भी क्या अर्थ होगा उस अलार्म कांटे का? अलार्म लगाया जाता है वो भी डायरेक्ट, ये अपने आप चलता है, लगाया जाता है। अभी अलार्म का काटा हम अपना अपना लगा रहे हैं, क्या जिसके 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे वो अलार्म का काटा सेट कर देगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। वो कांटा ऑटोमेटिक नहीं चलता है, लगाया जाता है। और इसीलिए बोला है अंत समय में तुम बच्चों को ट्रंकाल आवेगा, आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। ये ट्रंकाली अलार्म है। बाबा संकल्प आएगा कि चलो तो उसी समय चल देना चाहिए। माना ब्राह्मणों को जो संकल्प आते हैं और बाबा की याद में आते हैं और ये भी समझते हैं कि श्रीमत के अनुकूल संकल्प हैं, तो उनको तुरंत पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इसमें पूछने की बात ही नहीं। हमारी आदत पड़ जाए कि जो श्रीमत मिली उस श्रीमत को हम ताजा ताजा फॉलो करें, बासी करके फॉलो न करें, नहीं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। संकल्प से और बुद्धि के पावर से वहाँ खिंचाव भी होता है बाबा नष्टमोहा का, और उधर बुद्धि सदा रहती भी है, मगर बाबा ने कहा है कि जब तक हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, वो तो तुमको पूरा चिंता करना ही पड़ेगा। तो वो तो वो कहीं बगैर है तब तक है, तो वो आत्मा जिनके कर्म बंधन है उसकी बुद्धि सदा कैसी रहेगी? रहेगी सदा। सदा क्यों लगाते हो, झूठा क्यों बोलते हो? किसी के लिए ऐसा होता है कि आत्मिक स्थिति करते करते बाप को याद करते हैं, और कभी ऐसा होता है बाबा कि बाप से बातें साकार भी निराकार को बात करते करते ऐसी स्थिति बनती है, तो उसको कैसे कहेंगे? देखना चाहिए कि जो सदा से वह है, हम उस आत्मा से बात करते हैं या साकार से बात करते हैं, बात किससे करते हैं? अरे पता चलना चाहिए कि नहीं? ज्ञान के अनुसार पता चलेगा या नहीं चलेगा? है चलेगा बाबा। हाँ अनुराग दादी ने शरीर छोड़ा तो वो किसने किसने पार बजाएंगे? अपने जैसे में ही पाठ बजाएगी, विजय माला में बजाएगी या विजय माला में क्यों पाठ बजाएगी? वो विजय माला में है नहीं, आने वाली नहीं है, है? जो विजय माला में आने वाली आत्मा है वो एडवांस पार्टी के साकार शरीरधारियों में पाठ बजाएगी प्रवेश करके, या विजय माला में पाठ बजाएगी? विजय माला और रुद्र माला दो प्रकार की मालाएं हैं, जो दोनों प्रकार की मालाएं हैं उन दोनों प्रकार की मालाओं में जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, वो प्रवेश करने वाली आत्माएं अलग अलग धर्मों की हैं कि एक ही धर्म की है? अलग अलग धर्मों की है। अगर अलग अलग धर्मों की है तो अलग धर्म का जो छिलके वाली आत्मा होगी उसी में प्रवेश करेगी। क्यों नहीं ग्रुप होगा बाबा? हाँ। एक मुर्गी में बोला है कि 50,000 रुद्र माला के बच्चे और 50,000 विजय माला के, ये पहले पहले आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर परमार्थ स्टेज को पाते हैं, तो इसमें विजय माला के मन के जब रुद्र माला बन जाएंगे तभी उस स्थिति को प्राप्त करेंगे? युगल मन के जो बनेंगे
वही विजय माला कही जाएगी, संपन्न माला कही जाएगी। या सिंगल रहेंगे, निवृत्ति में रहेंगे, तब विजय माला कही जाएगी। प्रवृत्ति को ही विजय माला कहेंगी, विजय होगी ही तब। कब विजयी होंगे? जब पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। पहले होंगे या हाँ? पहले होंगे या बाद में? वाह, तो बाद में भी माला बनेगी। विजय माला के मिलेंगी तो रुद्र माला के मन के विजय माला जल्दी है मिलेगी। अगर मिलने की जल्दी है और उस जल्दी में कहीं जो अभी प्रवृत्ति है उसको छोड़ के भाग खड़े हुए तो फेलियर में कहे जाएंगे, पास ईयर में कहे जाएंगे। चलो।